सीरीज ऑफ वेक्टर कैलकुलस के 15th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इसके पहले मैं वेक्टर कैलकुलस पर 14 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या ऊपर जो आई बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस करके वेक्टर कैलकुलस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से भी आप वीडियोज को देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक मेरे चैनल पर वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, मैं उस वीडियो में बताया हूँ 5 मिस्टेक्स इन स्टडी ऑफ मैथ्स। आप स्टडी जब मैथ्स का करते हैं तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उसमें सुधार करें ताकि आपका जो मैथ्स है वो और स्ट्रांग हो जाए और मैथ्स में इंटरेस्ट भी बना हुआ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका प्रूफ मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का बताया हूं उस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है। सो इफ जो है एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एफ इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जे सी जेड के कैप, जहाँ ए बी सी जो है वो सभी कॉन्स्टेंट है, तो देन सो दैट ये जो है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का हम लोग को नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकालना है, एस सरफेस में निकालना है। और एस है क्या, ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल इसके इक्वल प्रूफ करना है, 4/3 pi इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और एस कौन सा सरफेस है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ ए यूनिट स्फीयर। एक यूनिट स्फीयर ले लीजिए और यूनिट स्फीयर जो होगा उसी के सरफेस को हम लोग, यूनिट स्फीयर मीन्स रेडियस इसका 1 होगा, तो रेडियस जो है वो इस स्फीयर का 1 है और यही जो स्फीयर है इसी के सरफेस को यहाँ पर एस माना जा रहा है और इसी सरफेस में इसको इंटीग्रेट करना है और सरफेस इंटीग्रल निकालना है वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का। ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रूफ में मैं बताया हूँ इसको। तो कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, बड़ा आसान सवाल है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो एफ फंक्शन दिया हुआ है वो तो लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगा। इस वेक्टर फंक्शन का हम लोग डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है, और डेल क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ये होता है डेल ऑपरेटर। और डॉट एफ, एफ कौन सा फंक्शन है, एफ यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, एफ जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस सी जेड के कैप। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सिर्फ आई का जो कंपोनेंट है, आई का जो कोएफिशिएंट है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ये ऑपरेट होगा क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो डेल बाय डेल एक्स ऑपरेट करेंगे, किस में करेंगे, ए एक्स में। फिर उसी तरीके से ये इसके साथ, जे के साथ, जे का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ ऑपरेट होगा, डेल बाय डेल वाई किसके साथ, बी वाई के साथ, और फिर यहाँ पर ये डेल बाय डेल जेड ऑपरेट होगा सी जेड के साथ। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ए कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, और सी कांस्टेंट है जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। तो ये डाइवर्जेंस इतना निकल गया। अब हम लोग को निकालना है ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का डॉट एन डी एस, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। किसका वॉल्यूम इंटीग्रल, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है ये वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग लिखे हैं, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
तो अब इसका डाइवर्जेंस निकाल चुके हैं, तो डाइवर्जेंस निकाले हुए हैं वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या है डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट आया है और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो कॉन्स्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं और सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा वन, और वन को इंटीग्रेट करना है। आप ट्रिपल इंटीग्रल में पढ़े होंगे कि अगर वन को इंटीग्रेट करते हैं तो वन का ट्रिपल इंटीग्रल इंटीग्रेट करते हैं भी वॉल्यूम में, तो ये वॉल्यूम बताता है, जो सरफेस है एस उसका वॉल्यूम बताएगा। ये वन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वॉल्यूम बताता है, तो ये क्या बताएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्फीयर। तो यूनिट स्फीयर मीन्स जो स्फीयर है उसका रेडियस वन है, तो इस स्फीयर का ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वॉल्यूम होता क्या है, ये तो आप अंडर टेंथ क्लास से ही जानते होंगे कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³, r यहाँ पर वन है, वन क्यूब क्योंकि यूनिट स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस जो है वो वन है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो कितना आ गया, 4/3 πa + b + c आ गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो बड़ा आसानी से ये प्रूफ हो गया, इसका नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकल गया। तो ये काफ़ी इजी सवाल था, जो अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी जब आता है तो आप इसको बना सकते हैं, बड़ा आसानी से बन जाता है ये। तो इस टाइप का और भी सवाल जो आपके बुक में है उसको बना सकते हैं, और कुछ मैं डिफरेंट टाइप का सवाल देखता हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप जरा उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल वेयर एफ, जो जिस फंक्शन का नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकालना है वो फंक्शन जो है वो ये है, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन के कैप, एंड एस इज द क्लोज सरफेस, और जो सरफेस में इंटीग्रेट करना है वो एस इज द क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय द जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू वन, एंड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन से अप्लाई करके निकालना है, और सरफेस जो है वो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू वन। ये कौन सा सिलेंडर होगा, जरा ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस से टू है, तो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर लीजिए और रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा टू, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट टू और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट टू हो गया, वाई कोऑर्डिनेट जीरो और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स एक्सिस का किसी भी पॉइंट का वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया टू। और कौन सा प्लेन है, जेड इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू वन, तो ये जो नीचे वाला प्लेन है यानी कि नीचे जो सर्कल बन रहा है ये प्लेन जेड इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स वाई प्लेन है, और जेड इक्वल टू वन जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वन हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो प्लेन है सिलेंडर का वो जेड इक्वल टू वन है, जेड इक्वल टू वन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो वन होगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वन होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट वन हो जाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जेड कोऑर्डिनेट ओरिजिन से जो डिस्टेंस पर है तो ओरिजिन से डिस्टेंस है यहाँ पर वन, तो ये वन हो गया। तो यही जो प्लेन है वो जेड इक्वल टू वन हो गया और ये जो प्लेन है यहाँ पर वो जेड इक्वल टू जीरो हो गया। तो यही सरफेस है, इसी सरफेस में हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो अब कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अप्लाई करना है, तो हम लोग सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लेते हैं। मैं पहले भी अभी निकाला हूँ पिछले सवाल में, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकलता है, डेल डॉट एफ होता है और डेल का वैल्यू होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर डॉट फंक्शन एफ लिखना है, तो एफ का वैल्यू है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप और प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू के कैप। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, तो कैसे ये ऑपरेट करेंगे, आई के साथ जो कोएफिशिएंट है डेल बाय डेल एक्स एक्स को ऑपरेट करना है, फिर प्लस डेल बाय डेल वाई किसको ऑपरेट करेंगे माइनस वाई को,
और फिर डेल बाय डेल जेड मतलब जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड स्क्वायर माइनस वन को। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है इसका वन हो जाएगा, यहाँ पर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर जेड स्क्वायर को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू जेड और वन का तो जीरो हो जाएगा, ये भी ये कैंसिल हो गया माइनस वन से प्लस वन, यानी कि यहाँ पर टू जेड आ रहा है तो डाइवर्जेंस जो है वो टू जेड आया। अब हम लोग को ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकालना है इस सरफेस में एफ डॉट एन डी एस, तो ये अब डाइवर्जेंस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, और किसका वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का और डी वी में। तो यहाँ पर अब ये वी है क्या, वी जो है वी बींग द वॉल्यूम, बींग द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय, वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय एस, इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस, तो वी जो है वो वॉल्यूम है सरफेस एस से इनक्लोज्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वैल्यू, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल कर रखे हुए हैं टू जेड, और ये वी डी वी में इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, टू कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं और सिर्फ जेड को इंटीग्रेट करना है, और डी वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स का क्या लिमिट होगा ये देखिए कि एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो इस पूरे सिलेंडर में कोई भी पॉइंट अगर आप ले लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो जो नीचे जो सरफेस आ रहा है उस सरफेस जो है वो एक सर्कल है, तो एक सर्कल है और उसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर, और रेडियस कितना है, रेडियस है टू। अब हम लोग क्या करते हैं इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वैरी करेगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ये दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन जो है वो ये है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, ये फोर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर हटा देंगे तो इधर प्लस माइनस रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो दो वैल्यू आ रहा है, एक्स का एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट आ रहा है एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, और एक्स का एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉजिटिव रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाला होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाला होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो एक्स यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो सबसे पहला स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहला स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस है क्या, रेडियस तो टू है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो होगा वो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस टू और यहाँ पर प्लस टू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस टू से प्लस टू तक जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो पूरे सिलेंडर में एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो किसी भी पॉइंट का आप ले लीजिएगा, इस पॉइंट का कहीं का भी, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो एक जैसा वैरी करेगा इसी सर्कल जैसा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो सबसे जो नीचे पॉइंट लेंगे वो जेड इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे उसका जेड कोऑर्डिनेट वन होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो से वन तक वैरी करेगा। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड तो कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो इस इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर देते हैं जेड को, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू, ये दो इंटीग्रेशन रहने देते हैं जिसमें एक जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन है, और एक में वाई इक्वल टू माइनस टू से वाई इक्वल टू प्लस टू तक है, और जेड को बाहर कर दे रहे हैं क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जेड जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर वन, और वन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, एक्स होगा, और इसका लिमिट कितना है, माइनस रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर है, और उसके बाद जो बचा हुआ है दो बार इंटीग्रेट और करना है, एक वाई के रिस्पेक्ट में और एक जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टू जो कांस्टेंट है वो तो रहने दीजिए,
और ये जेड नहीं लिख रहे हैं, वो ऑर्डर से ही पता चल जा रहा है, बाद में जेड है तो जेड का ही ये लिमिट होगा, तो वो लिख नहीं रहे हैं, जीरो से वन लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी माइनस टू से टू लिख रहे हैं, और जेड यहाँ पर रहने दीजिए। और यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस खुद होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई डी जेड यहाँ पर रहने दीजिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस टू से प्लस टू ज्यों का त्यों, और ये दोनों ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। अब जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, 2 तो इस इंटीग्रल के लिए भी कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और यहाँ पर 0 टू 1 z को बाहर कर देते हैं इस इंटीग्रल से, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो z कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो z बाहर हो गया। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस टू से टू तक करेंगे, रूट अंडर फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या होगा जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन में माइनस टू से प्लस टू तक करना है। क्यों इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप वाई की जगह माइनस वाई भी पुट कर दीजिएगा तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन में एक डिफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी जो होता है कि माइनस ए से ए तक अगर किसी भी फंक्शन को, इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम लोग उसको जीरो से ए तक कर सकते हैं और उसका डबल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है। अगर किसी फंक्शन को माइनस ए से ए तक करना, फंक्शन इवन है, तो जीरो से ए तक करेंगे और उसका डबल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग को माइनस टू से टू तक करना है, तो इसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, यहाँ डबल कर दिए, टू जेड कर दिए, यहाँ पर टू हो गया, और अब हम लोग इन लोग इंटीग्रेट करेंगे जीरो से सिर्फ टू तक, यहाँ टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई रहने दीजिए और फिर डी जेड, तो 2 फिर से हम लोग बाहर कर सकते हैं, 8 हो जाएगा, 0 टू 1, और यहाँ पर z रहने दीजिए, आपको इसका फार्मूला पता होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूला में आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल होता है y इंटू रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। और 0 से 2 तक करना है, अभी z के रिस्पेक्ट में बाकी है, एक इंटीग्रल अभी बाकी है, तो 0 टू 1 रहने दीजिए। अब अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2 पुट करने से 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2। और माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो वाई की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 0 पुट करने से कम्प्लीट 0, और साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब सिर्फ हम लोग को एक ही इंटीग्रल बचा हुआ है जेड के रिस्पेक्ट में, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं 8 पाई, और इंटीग्रेट करना है अब हम लोग को किसको, ये सारा चीज़ तो हट गया, यहाँ पर पाई कांस्टेंट था वो बाहर कर दिया, सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट में जेड को इंटीग्रेट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, और लिमिट है 0 टू 1, तो अब इसका हम लोग इंटीग्रल कर लेते हैं, तो 8 पाई और जेड का इंटीग्रल हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगा 0 टू 1, तो अपर लिमिट बैठाएंगे, लोअर लिमिट बैठाने से 0 हो गया, तो 8 पाई डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, यानी कि ये 4 पाई, तो यही इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम लोग जो कुछ ज़रूरत पड़ा है इंटीग्रेशन में, वो ट्रिपल इंटीग्रल का ज़रूरत पड़ा है, तो अगर ट्रिपल इंटीग्रल या मल्टीपल इंटीग्रल आपको अच्छे तरीके से आता है तो इसको आसानी से बना सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अप्लाई करके बनाना था, तो इस तरीके से आपके बुक में भी कुछ सवाल होगा तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो एक ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैं आपका फीडबैक के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पेज में या व्हाट्सएप ग्रुप अगर है तो उसमें आप शेयर कीजिए, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, मैं मोटिवेट होऊंगा आपके कमेंट से आपके शेयर से, तो मैं और भी दुगुनी तिगुनी एनर्जी के साथ वीडियो भी अपलोड करूंगा, और आप सभी को मैथ्स का कुछ जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।